आज है अपनी यात्रा का 82वां दिन और आज हम जा रहे हैं कोल्हापुर से गोवा। गलत रास्ता पकड़ लिया मेरे भाई, आखिर रोड आखिर जो कत्ती कत्ती आखिर क्या करना, लेकिन जिस मकसद से मांगा था ना, जो चीज देखना चाह रहा था। ये जो रास्ता ना पूरा जंगल से होता हुआ जिसे घाट बोलते हैं। गोवा ना हो तो बाइक पाओ, रेल में कोने। राम राम जी, सुबह के 7 बजे का टाइम हुआ है, अभी हम कोल्हापुर में और ये दो भाई मिले हैं यहाँ पे जो हमें कल शाम को मिले थे। इन्होंने शाम को पूरा कोल्हापुर शहर घुमाया। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, कोल्हापुर रेलवे स्टेशन, जो हमारे महाराज थे ना छत्रपति शाहू महाराज, उनके ही नाम से और बनाया भी मतलब थोड़ा पुराने स्टाइल में, ऐसे एकदम पहले स्टाइल, जो कि लास्ट रेलवे स्टेशन है। इससे आगे कोई स्टेशन नहीं है। एक एक चीज बताई यहाँ पे, कहाँ पे मार्केट है, कहाँ पे यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे खाने की चीजें फेमस है, कहाँ पे पोर्स एरिया है, मतलब महंगा इलाका है, जो भी कुछ था भाई ने रात में घुमाया। यहाँ की पानी पूरी फेमस बता रही थी, दो तीन चीज़ और बताई थी, उनमें से एक और खुली मिली थी, बाकी बंद थी। तो जो जो खुला मिला था भाई ने सारी चीज़ें दिखाई। अभी फिर शाम को भाई ने बताया कि एक यहाँ पे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक फोर्ट है, किला है, वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो अभी भाई वो दिखाने लेके जा रहे हैं, तो उनके साथ जा रहे हैं। फोर्ट है भाई, रोड खत्म हो गया। लोकल बंदे के साथ ये फायदा होता है ना, तो हम यहाँ कभी ना पाए, सपनों में भी ना पाए। ऐसा भी आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये फोर्ट है, इसके अंदर से जाएंगे भाई, देखो कुछ ऐसे। यहाँ पर अब भीड़ होने लग गई है धीरे धीरे, पहले तब हम आए हैं जब यहाँ पर कोई भी नहीं था। गलत रास्ता पकड़ लिया मेरे भाई, जितनी दूर चल के आया था वो वापिस पकड़ना पड़ेगा। A few moments later. ये सामने है लक्ष्मी मिसल, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत सारे एक्टर आए हुए हैं, अंदर उनके फोटो लगाए हुए हैं। A few moments later. यहाँ पर मॉल मिल जाएंगे, बड़े से बड़े होटल मिल जाएंगे, रिजॉर्ट मिल जाएंगे, मतलब आपको छोटी से छोटी डोरमेट्री से लेकर और लग्जरियस ऊपर से ऊपर तक की हर एक सुविधा मिल जाएगी, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी बात, खाने की अलग मार्केट, कपड़े की अलग मार्केट, जैसे दिल्ली में बनी हुई ना, सेम उसी तरह बनी हुई है। ज़्यादा किलोमीटर में भी नहीं है, थोड़ी सी दूरी में रहें, लेकिन एक नंबर का मौसम बड़ा ठंडा रहता भाई, बहुत ठंडा। अभी 1:30 बजे का टाइम है और आप देख सकते हो कैसा मौसम है, लोग बढ़िया हैं, रहना बढ़िया, खाना बढ़िया, और क्या चाहिए। लेकिन जिस मकसद से मांगा था ना, जो चीज़ देखना चाह रहा था, वो नहीं मिली मुझे। मैंने सुना था कि यहाँ पर ना लोग हरियाणा से मोटे उतने आते हैं, तो मैंने आगे लोकल कई बंदों से पूछी, किसी को पता तक नहीं इस बात का, और वे बोले अगर मोटे हो सकते तो हम हो जाते ना, हम मोटे कहाँ हैं, हम तो कितने दिनों से यहीं रह रहे हैं। लो जी, महाराष्ट्र को हमने बाय बाय कह दिया और कर्नाटक को हाय हाय। अभी हम कर्नाटक में इंटर कर चुके हैं, अपना जो प्लान था आज का वो अपना बेलगांव रुकने का था, लेकिन किंतु परंतु जिस भाई के पास हमें रुकना था वो अभी है बाहर गोवा में, तो बोला यार आप घर पे आ चले जाओ, मैंने घर पे बोल रखा है आप रुक सकते हो, आराम से खाना खा के रेस्ट करना, सोना, सुबह बात करेंगे, सुबह मिलेंगे। और मेरा सुबह निकलने का जल्दी प्लान था 6-7 बजे, तो मैं सोचा यार अगर भाई से बात ही नहीं हो पाएगी तो रुकने का मतलब ही नहीं बनता,
फिर तो हम डायरेक्ट गोवा ही निकल जाएंगे। और एक भाई और मिल गया हमें गुड़गांव से, तो आज का अपना प्लान बेलगांव की जगह डायरेक्ट गोवा 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 गोवा। और वो बेलगांव से नहीं, हम जा रहे हैं पाया अम्बोली। तो बने रहे दोस्तों, आज हम आपको गोवा पहुंचा के मानेंगे और अगले 3-4 दिन हम गोवा में घूमेंगे, गोवा की बीचों पे एंजॉय करेंगे, मज़े लेंगे। लो जी, ये कर्नाटक का पहला टोल टैक्स आ चुका है। अगर आपको पता नहीं चले कि कर्नाटक शुरू हुआ है, महाराष्ट्र ख़त्म हुआ है, तो इस टोल टैक्स से आप आइडिया लगा सकते हैं। ये है कर्नाटक का पहला टोल टैक्स। भाई साहब गजब व्यू, गजब चमत्कार। लो जी, लगभग निपाणी से 10 से 15 किलोमीटर आगे चलने के बाद मेन हाईवे से एक अलग रूट डाइवर्ट हो जाता है, जिसको आप अप्रोच रोड बोल सकते हो, जो डायरेक्ट गोवा जाएगा, जो सिर्फ 158 किलोमीटर चल के आप डायरेक्ट आप गोवा पहुंच सकते हैं। यहाँ से अम्बोली 44 किलोमीटर और रहता है। और भाई साहब व्यू इतना ज़बरदस्त आया हुआ है, कभी मौसम में थोड़ी सी धूप आ जाती है तो कभी फिर वापस छाव आ जाती है, मतलब मज़े ले रहा है। ओ भाई कितना अच्छा व्यू है मेरे भाई, मज़ा आ गया उस्ताद, मज़ा एक नंबर का मज़ा। गोवा ना हो तो बाइक पाओ, रेल में कोन्या सो जाओ, तड़के उठो, इतना गोवा है तेरे बल्ले भैया, हवाई जहाज माओ बैठो, एक घंटे में गोवा मारा का देख है। भाई साहब बाइक पर जो मज़ा है वो क्या है मनी। 4:20 का टाइम हो चुका है और व्यू देख रहे हो आप। भाई साहब मुझे उत्तराखंड की याद आ रही है, उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड मुझे अभी तक का बेस्ट लगा। स्वर्ग यार स्वर्ग, अगर ज़िंदगी में किसी को एक बार घूमने का मौका मिले ना तो भाई साहब उत्तराखंड घूम लेना। आज है अपनी यात्रा का 82वां दिन और आज हम जा रहे हैं कोल्हापुर से गोवा। अभी लगभग अम्बोली से मात्र 15 किलोमीटर पहले हैं और जो बीच है गोवा की वो लगभग यहाँ से 90 किलोमीटर के आसपास है। तो हम थोड़ी बहुत देर में, लगभग 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे गोवा, वो भी बागा बीच पे। तो ये जो रास्ता ना पूरा जंगल से होता हुआ, जिसे घाट बोलते हैं, एक नंबर का व्यू होगा, ज़बरदस्त। अभी यहाँ से लगभग ये लगा लो और भी 30-40 किलोमीटर शायद जंगल ही होगा, उसके बाद थोड़ा रोड ठीक होगा। वैसे रोड ज़बरदस्त है, लेकिन सिंगल लाइन है, डबल लाइन ही है, व्यू अल्टीमेट है, एक नंबर है। ये अभी चल रहा अम्बोली, लगभग 3 किलोमीटर तक और है आगे अम्बोली, उसके बाद ये अम्बोली घाट पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से अप्रोक्स 70 किलोमीटर है गोवा। अभी हम हाँ अम्बोली गोवा से लगभग 70 किलोमीटर पहले हैं। भाई साहब गजब व्यू है, गजब। एक तो कहते हैं बढ़िया, एक कहते हैं बहुत बढ़िया, एक कहते हैं आखिर, एक कहते हैं घना आखिर, और इसके लिए तो मैं बता ही नहीं सकता क्या है क्या नहीं। इतना ज़बरदस्त व्यू भाई, मज़ा आ गया यार, दिन बन गया आज का। घर देखो भाई कैसे बना रखे हैं। अभी तक मुझे पता नहीं कि गोवा में इंटर हो चुके हैं या नहीं, क्योंकि शायद गोवा की जो भाषा वह कोंकणी है, तो वहाँ की भी मुझे समझ में तो आनी नहीं। ओ भाई खतरनाक, अल्टीमेट, मज़ा आ गया। ओ बेटे मज़ा आ गया, ओ बेटे गोवा जाऊंगा। आखिर रोड है, आखिर जो कत्ती कत्ती आखिर क्या करना, बस तोड़ हो गया यार। अल्टीमेट व्यू भाई साहब, अल्टीमेट आखिर, खतरनाक। जितनी भी चीज़ क्या करना सारी ला लो, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी वर्ड नहीं है कहने के लिए, बस क्या कहूँ यार। आना पड़ेगा बेटे, तुमने भी आना पड़ेगा ये व्यू देखने, ही वीडियो देखे तो कुछ नहीं होना, जो अंदर की फीलिंग आऊंगी ना देखे पीछे, भाई साहब बस तोड़ हो जाएगा कति। कितने व्यू कैप्चर करूं यार, कितने आप देख नहीं पाओगे, इतने व्यू हैं, इतने सुंदर सुंदर हैं, मैं बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, बस दिखा सकता हूँ, बस दिखा सकता हूँ। A few moments later. अभी ये हम महाराष्ट्र में ही चल रहे हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर आगे मेन हाईवे मिलेगा, जो सावंतवाड़ी से होते हुए आ रहा था ना उस पे, और इस पे 20 किलोमीटर का फर्क है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, लेकिन दोनों रास्ते एक जैसे हैं, ये थोड़ा सा ठीक बता रहे हैं कि उससे ठीक ही है। तो 8 किलोमीटर आगे हमें मेन हाईवे मिलेगा, उससे 3 किलोमीटर आगे बॉर्डर है गोवा का और महाराष्ट्र का,
तो अभी लगभग हमें 11 किलोमीटर और कवर करना है गोवा में इंटर करने के लिए। बीच में थोड़े से छोटे छोटे पैच हैं एक एक दो दो किलोमीटर के जो खराब है, बाकी तो सारा रोड मस्त है भाई, एक नंबर। ये भाई साहब वापस मेन हाईवे पे आ चुके हैं जो हमने पीछे से छोड़ा था। एक रास्ता गांव से अंदर से आ रहा था, दूसरा हाईवे था। वैसे तो मेनली दोनों हाईवे हैं लेकिन एक गांव के अंदर से था, एक थोड़ा बाहर से था, बाईपास बोल सकते हो। उसमें 20 किलोमीटर का फ़र्क था। तो हम गांव के अंदर वाले से आए हैं, अभी मैं वापस मेन हाईवे पे आ गए हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे बता रहे हैं बॉर्डर है गोवा का और महाराष्ट्र का, तो देखते हैं कितनी दूर आगे जाके हमें बॉर्डर मिलता है। बॉर्डर क्रॉस करते ही तेल डलवा लेंगे भाई साहब। अंधेरा हो गया है और यहाँ से अभी 40 किलोमीटर रहता है जिसमें हमें 1 घंटा 13 मिनट और लगेंगे। 40 किलोमीटर को 1 घंटा 13 मिनट, मतलब कि हमें जाम मिलेगा मेरे भाई। ये है भाई यहाँ की चेक पोस्ट। अभी यहाँ से फाइनली गोवा स्टार्ट हो गया है, हमने महाराष्ट्र को बाय बाय और गोवा को हाय हाय कह दिया है। भाई साहब नीचे का तो कुछ व्यू दिख नहीं रहा है लेकिन जो ऊपर के बादल है ना वे मस्त शो कर रहे हैं, एक नंबर के। गोवा में एंट्री करते बियर दारू की इतनी दुकानें दिख गई, इतनी दुकानें दिख गई हैं। सोले हाथ ने ओले हाथ ने ऊपर लेने नीचे लेने चौकर दे गए। और भाई साहब जो तेल गलवाना ना वो एक नहीं दिख रहा, लग है गोवा में धक्का मरवाऊंगे बाइक का, ना मानना इतना मेरे बटे। लो भाई पहुंच गए हैं गोवा में। तो अब यहाँ से हमें बागा बीच की तरफ जाना है क्योंकि वहीं पर रूम लेने की सोच रहे हैं। रूम की दिक्कत ये है भाई, आज ले लिया तो दो तीन दिन के लिए कम से कम वहीं लेना पड़ेगा तभी घूमा जाएगा। ₹500 ओ भाई गोवा में इतना लंबा जाम, इतना तो मैंने उत्तराखंड में ना देखा। ओ भाई हद हो गई यार।